हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का और एक हैक का प्रैक्टिस करेंगे, और एक ट्रिक का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम ब्यूटीफुली एनिमेटेड बना सकते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीका है। तो किस तरह से ये दिखेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका, ये देखिए, ऑन पहला क्लिक आपका ये आ गया, सेकेंड क्लिक ऊपर से, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स्थ। तो इस तरह से आप कोई भी स्टेप वाइज कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो इसको स्टेप वाइज आपको दिखाना पड़ेगा। पाथ ऑफ सक्सेस, पाथ ऑफ वर्क। तो इसमें ये इस तरह के ट्रिक बड़े ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर आइए डिस्कशन करते हैं कैसे इसको बड़े आसानी से करना है। सो लेट स्टार्ट इट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नया स्लाइड लेंगे, ठीक है। तो ये आपका नया स्लाइड आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी कोई कलर दे देंगे। जैसे कलर देने के लिए आपने ये स्लाइड चूज किया, उसके बाद इसमें आप कलर को भरेंगे। तो कलर को भरने के लिए क्या करना है, तो बैकग्राउंड स्टाइल में आप कुछ भी कलर दे सकते हैं। सपोज मैंने ये सिंपल वाला कलर ले लिया। अगर आपको कुछ और फॉर्मेटिंग करना है तो आप अंदर जाके दूसरे कलर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रेडियंट्स भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चूज कर दिया, तो ये अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने एक ये सिंपल सा ले लिया कलर। तो अभी हमको क्या करना है, सेम स्टाइल में अगर आपको करना है तो फिर पहले एक आपको यहाँ पे इस तरह से एरो करना है। तो एरो का कलर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो तो बेहतर है। तो एरो का कलर हमने येलो दे दिया। तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया, टाइटल लिख दिया, ठीक है, ब्लैक में कर दिया, जैसे कि वो दिखे। या कोई दूसरा कलर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, वो टाइल्स को बनाना है या ब्रिक्स टाइप जो है उसको करना है। तो यहाँ पे आपका जो शेप्स है, तो वहां से आप एक ये शेप ले लीजिएगा। तो ये आपका आपका आ गया, ठीक है। तो इसको भी आपको सपोज कोई दूसरा कलर देना है जो कंट्रास्ट टाइप दिखे, तो इसके लिए आप शेप फिल में जाइए। तो यहाँ पे शुरू में हम इस तरह के कलर दे देते हैं, थोड़ा सा फेड कलर देते हैं, बट कंट्रास्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, कंट्रास्ट होना चाहिए। अभी इसका हम और एक शेप बनाएंगे। जैसे कंट्रोल डी मैंने प्रेस कर दिया, दूसरा हो गया। तो अभी इसको हम दूसरे साइड में प्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने दो प्लेस कर दिया, अब आप कंट्रोल डी करते जाइए, उसके साइड साइड में ये प्लेस होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आप अपना फोटो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं फोटो। तो यहाँ पे अपना फोटो डाल दिए, या और कुछ भी आप डालना चाहे, लोगो, फोटो, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने सिक्स टाइल्स ले लिया और इसको साइड साइड में रख दिया। अभी क्या करना है, मुझे इसको, ये पूरा जो सिचुएशन है इसको फिलहाल कॉपी कर देना है, ठीक है। तो और एक डुप्लीकेट स्लाइड हमने तैयार कर देना है, ठीक है। तो डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए क्या करना है आपको, उसके राइट क्लिक करना है स्लाइड के ऊपर जाके, तो डुप्लीकेट साइट आप कर दिए। तो इस तरह से, तो शुरू में आपने टाइटल लिख दिया और यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या करना है, आपको वाले में आपको इसको ही रेड कर देना है, ठीक है। तो इसका कलर आपने रेड कर देना है, इसको आप रेड कलर देना चाहते हैं तो रेड कर देना है, या और कोई कलर भी आप देना चाहते हैं सपोज, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज इसमें मैंने ब्लू कर दिया। अभी क्या करना है, इसके ऊपर आपको नंबर लिखना है, नंबर आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे करके लिख दिया वन, इसके ऊपर मैंने वन लिख दिया। बट इसको मैं जो कलर है इसको नो नो फिल करूँगा और बॉर्डर लाइन को भी हटा दूंगा, ठीक है, नो आउटलाइन, ठीक है, ताकि ये
आपको दिख जाए, और इसको जितना बोल्ड कर सकते हैं आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो नंबर थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, ये नंबर आपका हो गया। तो इसी हिसाब से, तो इसको बार बार आपको सेटिंग ना करना पड़े, इसको भी आप बोल्ड डी करके फिर नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं इसको रख रहा हूं और आगे के लिए हम स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको कॉपी कर देना है, डुप्लीकेट स्लाइड बना देना है। तो ये हो गया, बट अभी फिर नेक्स्ट में इसको लिफ्ट करना है। ठीक है, इसको लिफ्ट करना है ऊपर, और इसको जो है इसको कंट्रोल डी दबा दीजिए, दूसरा बन जाएगा। तो सेम साइज का बन जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और सेव करना ना कर पड़े। और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 हो गया, इसका कलर सेम कलर हमने दे दिया, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ये आप नीचे लिख सकते हैं, और शुरू वाले में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपका जो जो भी था लिखना था वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई 0.1 लिख सकते हैं आप, 0.1। ठीक है, 0.1 आप यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो इसको भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा, नो कलर नो आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, तो सिर्फ वो ऊपर आए। तो इसी हिसाब से आपको ये 0.1 हो गया। अभी फिर हम इसको बाद में शो करेंगे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, फिर ये दूसरा हो गया, फिर आप ऐसे करके 2-3 आग ऊपर ऊपर करते जाइए और आप ये लिखते जाइए। ठीक है, अभी मैं इसी को एनिमेटेड करके आपको बता देता हूं कैसे होना है। ठीक है, तो जैसे ये आपका शुरू का हो गया, टाइटल हो गया, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको 0.1 देना है। तो 0.1 स्टैंड स्टिल रहेगा क्योंकि ये फिक्स है, जब ऊपर उठेगा टाइल तभी हम एनिमेशन देंगे। फिलहाल इसको आप एनिमेटेड कर सकते हैं। तो इसको एनिमेटेड करने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, और आपको इसको एंट्रेंस देना है, फ्लाई इन, फ्लाई इन ये ऊपर से आया। अगर आप इसको भी देना चाहते हैं, ये भी नीचे मतलब ऊपर से आए, तो इसको भी फ्लाई इन दीजिए। ये ऑन क्लिक नहीं, आफ्टर प्रीवियस नहीं, विथ प्रीवियस। ओके, और फ्रॉम द बॉटम है ये फ्रॉम द बॉटम है, इसको फ्रॉम द टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये काफी फास्ट हो रहा है, चाहे तो इसको स्लो कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, और इसको भी फास्ट की जगह पे सिर्फ फास्ट कर सकते हैं। तो अभी ये साइमल्टेनियसली दोनों रिच हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी कैसे होगा देखिए, ये पहला टाइल्स है। ठीक है, अभी इसके बाद आप जैसे ही नीचे वाले में जाएंगे तो ये दोनों आएगा। फिर हम अब दूसरे वाले में करते हैं, दूसरे वाले में सिर्फ इसी को आपको एनिमेट करना है। ठीक है, अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ये जो टाइल है इसको पहले एनिमेट करना है, ये आपका एंट्री आएगा फ्लाई इन। ठीक है, ये एंट्री होके आएगा, ऑन क्लिक फ्रॉम बॉटम वेरी फास्ट की जगह पे फास्ट, और ये पॉइंट उसके पीछे आएगा सपोज। ओके, ये पॉइंट आप चाह रहे हैं कि ये आने के बाद ये पॉइंट आए, तो ये आपका फ्लाई इन होगा उसके बाद, और फिर चाह रहे हैं 2 उसी के साथ आए। ठीक है, 2 उसी के साथ आए, तो ऐड इफेक्ट फ्लाई इन और फ्रॉम द टॉप, ये ऑन क्लिक नहीं विथ प्रीवियस होगा। ठीक है, और ये ऑन क्लिक नहीं आफ्टर प्रीवियस होगा। ठीक है, मैं क्यों ऐसा किया हूं आप देख लीजिए, ये पहले आया और ये दोनों एक साथ आया। तो ये इस तरह से एनिमेशन इफेक्ट आपको पड़ेगा। तो इस तरह से 0.1, 0.2, 0.3 करके आप इसको आगे तक ले जा सकते हैं। और फिर आगे हम फाइनली देखते हैं
ये फाइनल जब बनेगा किस तरह से बनता है। तो जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब फाइनल बनेगा तो फाइनल वाला इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अभी आपको इस स्लाइड से मैं बता देता हूँ किस तरह से दिखेगा। तो सिर्फ दो स्लाइड का ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये पहले आया ऑन क्लिक, ये आपका आ गया, और सेकेंड ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस स्लाइड शो को बड़े आसानी से और बढ़िया ढंग से बना सकते हैं। फोटो आप इस तरह से डाल सकते हैं। फोटो किस तरह से काट के डालना है एक मिनट में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।